डैड पुअर डैड, यह किताब के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। यह किताब रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी हुई है, बहुत ही पॉपुलर फेमस किताब है। करीब करीब 25 साल पहले वो लिखी गई है और मगर उसके नियम आज भी लागू है, आज भी लोग बहुत चाव से पढ़ते हैं, उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, इसके बारे में चर्चा होती रहती है। तो उसके बारे में मैं कुछ पॉइंट बताऊँगा, हो सकता है कि 2 या 3 वीडियोज उसमें लगेंगे। तो पहला पॉइंट जो है वो किताब का, रॉबर्ट कियोसाकी का, वो बताने के पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। ये क्या है कि रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दो बाप जो है उनके बारे में बताया हुआ है। एक बाप जो है, एक डैड, वो उसके सच्ची डैड, रियल डैड थे जो पुअर थे, और दूसरे डैड जो थे, दूसरे पिताजी जो थे, वो उसके दोस्त के पिताजी थे और वो अमीर थे। ये जो उसके असली पिताजी है वो बहुत एजुकेटेड थे, नौकरी करते थे और उनको सैलरी मिलती थी और सैलरी के ऊपर खर्चा चलाते थे। जो मुंह बोले बाप थे दोस्त के पिताजी, अनरियल, तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे मगर वो बहुत अमीर थे। वो कहीं नौकरी नहीं करते थे, सर्विस नहीं करते थे। तो वो बैकग्राउंड के ऊपर अभी मैं बताना चाहूंगा कि भाई उन्होंने ये बोला हुआ है रॉबर्ट कियोसाकी ने कि गरीब जो है माँ बाप, वो माँ बाप अपने बच्चों को गरीबी रखते हैं। कैसा? उनको सर्विस करो, सर्विस करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, इसके बारे में बोलते बोलते पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो और फिर सर्विस को लग जाओ, फिर शादी करो, बच्चे पैदा करो, पेंशन लो, बूढ़े हो जाओ और मर जाओ, इस तरह का रहता है। यहाँ से आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता है, क्योंकि जो सैलरी में काम करने वाला आदमी है उसको लिमिटेड आय रहती है, इनकम लिमिटेड रहती है, और वो लिमिटेड इनकम में वो अपना खर्चा चलाते रहता है। कैसा करता है वो? जब सैलरी उसको मिलती है तो जैसे ही सैलरी हाथ में आती है, तनख्वाह आती है, तो तनख्वाह आने के बाद में वो रूटीन खर्चे चलाता है अपने घर के। ग्रॉसरी है, गेहूं आटा है, मतलब खाने का सामान है, दूध है, इलेक्ट्रिसिटी है, मोबाइल्स है, कपड़े लत्ते खरीदना है, जो भी मतलब जो हमारी नीड्स है रोज, वो पूरी करता है, वो खर्चे कर देगा। और वो खर्चे करने के बाद में उसको ये भी लगता है कि नहीं, मैंने गाड़ी खरीदना चाहिए, घर होना चाहिए, वो ईएमआई में पैसे डाल देता है, फ़ोन जो है वो ईएमआई में लेंगा, गाड़ी ईएमआई, घर ईएमआई, वो भरते भरते नाक में दम आ जाता है और उसके पास में फिर कुछ पैसा बचता नहीं है, उसका इन्वेस्टमेंट जीरो रहता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला है कि जो अमीर लोग हैं वो पैसे के लिए काम करते नहीं है, पहला लेसन, और जो गरीब लोग हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नौकरी कर रहा है वो गरीब रहता है, वो एक बैल जैसा काम चालू है, सुबह उठना और बस चक्की चालू है उसकी, और उसकी इच्छा भी नहीं है, कंफर्टेबल भी नहीं है, मिजरेबल है, तभी भी उसको काम पे जाना ही पड़ता है, क्योंकि उसको एक तरह को सैलरी मिलती है, तनख्वाह आता है जो उसका घर खर्चा चलाने में काम में आता है, क्योंकि उसको ईएमआई देने के, लोन चुकाने का है, बहुत सारा खर्चा करना है, तो वो उसकी राह देखता है कि कब मुझे एक तरह को सैलरी मिलेगी और मैं सब खर्चे पानी कैसे निभाऊंगा। वो कभी इन्वेस्टमेंट की सोचता भी नहीं है, और इच्छा न होते हुए भी वो काम को जाता है, काम करेगा और काम करके कमाएगा और खर्चा करेगा, मतलब वो एक सैलरी एडिक्ट हो जाता है, उसको एडिक्शन, लत लग जाती है, और कुछ वो रिस्क लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो लगता है कि भाई मैं रिस्क लूँ तो ये 40-50 हज़ार जो है वो भी नहीं मिलेंगे, धंधा चालू करूँगा, बिजनेस चालू करूँगा तो शुरू में तो पैसा मिलने वाला नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि वो फलाने का नहीं चलाता, उसका नहीं चलाता, फिर मैं रिस्क क्यों लूँ, और वो बैल जैसा चालू रहता है और वो कभी अमीर नहीं बन सकता है। रिच डैड का क्या है? रिच डैड जो है वो क्या करते हैं, मतलब उन्होंने क्या किया था कि जो पैसा कमाया उन्होंने अपना पैसा सेविंग में डाला, इन्वेस्ट किया, और ऐसी जगह इन्वेस्ट किया कि जहाँ से उनको रिटर्न आ रहा है, पैसा आ रहा है, और इतना पैसा आ रहा है कि अभी उनको रोज़मर्रा के काम जो है, रोज़मर्रा की अपनी ज़रूरत है वो पूरी करने के लिए वो पैसा काम में आता है, पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। तो रिच डैड को पैसा आ रहा है, पैसिव इनकम है, वो पैसा कमा रहे हैं पैसिव इनकम से, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट अच्छा हुआ है, और अभी वो काम कर रहे हैं तो वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो मज़े करने के लिए काम करते हैं, उनका पैशन है करके करते हैं। जब आपको ये मालूम है कि आपको जो पैसा लगता है मंथली, वो मंथली पैसा, महीने का पैसा आपको पैसिवली आ रहा है, कुछ काम ना करते हुए आपको पैसा आ रहा है, फिर आप क्या करोगे? फिर आप वो काम करोगे जो आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई हॉबी है, कोई खेलना है, घूमना फिरना, चैरिटी करना, एनजीओ ज्वाइन करना, जो भी करना है वो कर सकते हैं, लोगों को मदद करना, लोगों के जीवन में फ़र्क डालना। उन्होंने बोला कि रिच लोग जो, अमीर लोग जो है वो पैसा कमाते हैं और पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और पैसे को काम में लगाते हैं। वो क्या करते हैं? पैसे कमाने के बाद में पैसा अपने ऊपर खर्चा करते हैं, और अपने ऊपर मतलब इन्वेस्टमेंट करके, वो पैसा खर्चा नहीं करेंगे, चलो आया पैसा आईफोन ले लो, चलो आया पैसा ये ले लो वो ले, ऐसा नहीं करते हो।
तो वो क्या करते हैं कि इनकम, मतलब जो सर्विस में उनका क्या काम रहता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जितना पैसा बचा वो है इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा नहीं होता है, बोलते कि इनकम वहाँ से पहले इन्वेस्टमेंट निकालो, जो बच गया वो खर्चा करो। तो इन्वेस्टमेंट इज नंबर वन। क्या होता है कि जब पुरता नहीं है पैसा तो हम क्या करते हैं, हम सेविंग को कम करेंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर करेंगे तो पैसा बचता ही नहीं है। सेविंग को कम करेंगे, उसके बदले हमने एक्सपेंडिचर को कम करना चाहिए या फिर इनकम को बढ़ाना चाहिए, आय बढ़ाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट को कम करना नहीं, उल्टा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का है। तो फिर से बोल रहा हूँ कि बोलते हैं कि रिच डैड जो है वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, रिच डैड जो है वो अपना पैसा काम को लगाते हैं और पैसे से पैसा कमाते हैं, पैसा उनके लिए कमाता है। ये हो गया पहला लेसन। नंबर दो, पैसा कमाना आसान है मगर पैसा कायम रखना और बढ़ाना वो बहुत कठिन है, क्योंकि उसके लिए लगती है मेंटेलिटी, मानसिकता। आपको पता होगा कि अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लॉटरी विनर्स हैं, लोटो विनर्स हैं, कि जो लॉटरी टिकट निकालते हैं निकालते हैं निकालते हैं, आता नहीं है कुछ। कभी कभार जिसको भी पैसा मिल जाता है, वो पैसा मिलने के बाद में कुछ महीनों में ही वो पैसा उड़ा देता है, फिर से वहीं स्टेज पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पैसा संभलते नहीं आता। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस है ना, फिल्म मेकर्स प्लेयर्स, कि उनको सडनली बहुत पैसा मिलता है, वो पैसा संभल नहीं पाते हैं और बाद में वो पैसा खलास हो जाता है। बोलते हैं लक्ष्मी चंचल है, पैसा टिकता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, उनको पैसा का इस्तेमाल कैसे करना, इन्वेस्टमेंट कैसे करना वो मालूम ही नहीं है, वो पैसा पूरा खर्चा कर देते हैं। इसलिए बोलते हैं कि वो पैसा जो खर्चा करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, तो 1 करोड़ चाहिए उसको इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं चाहिए, उसको 1 करोड़ खर्च के लिए चाहिए। क्योंकि आप किसी को पूछो कि तुमको कितने पैसे है, बोले 1 करोड़। 1 करोड़ मिले तो क्या करेगा? बोले मैं मकान लूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि भाई मुझे 1 करोड़ चाहिए ना तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा और वो इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ के हर साल 15 लाख रुपये कमाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं बोलेगा। क्योंकि वो लोगों के दिमाग में नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए करके। लोग क्या करते हैं कि लायबिलिटीज़ में खर्चा करते हैं। लायबिलिटीज़, समझो आपने कार खरीद लिया, अब कार खरीद लिया, कार ये असेट की लायबिलिटी है। आपका जो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, वो बोलेगा ये असेट है, ये असेट नहीं है, ये लायबिलिटी है, ये बोझ है। कैसा? क्योंकि आप कार मेंटेन करेंगे, ड्राइवर रखेंगे, पेट्रोल पानी, दुरुस्ती, सर्विसिंग, और वो कार बेचने जाओ तो आधे कीमत में बिकती नहीं जाएंगी, उससे कोई इनकम भी नहीं है। तो जो जो चीज़ से, जो जो चीज़ मेरे पास में है, वो चीज़ रहने से यदि मेरा पैसा बाहर जा रहा है तो वो लायबिलिटी है, और जो चीज़ मेरे पास में है उससे पैसा मुझे आ रहा है तो वो एसेट है। फ्लैट है, फ्लैट की कीमत जो है वो जैसे रियल इस्टेट कीमत बढ़ती है वैसे बढ़ेगी, इतना नहीं बढ़ेगी, मगर फ्लैट में फ्लैट का मेंटेनेंस, टैक्सेस, सोसाइटी का मेंटेनेंस करो, फ्लैट खराब हो जाता है। तो अल्टीमेटली फ्लैट लोन पे लेके फ्लैट लेना या लोन लेके मकान बनाना ये गलत है। उतना ही नहीं, तो समझो आपका 1 करोड़ का मकान है, आपको 20 लाख रुपये डालना है, 80 लाख का आपने लोन लिया और वो लोन आप फेड रहे वापस कर रहे हैं, उसके बदले 20 लाख का जो आपका डाउन पेमेंट है वो आप कंसिडर करो कि आप कैसा उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म ब्लू चिप कंपनीज, ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स, उसमें तो भी देखो आपका पैसा कैसा बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या करना है कि असेट्स में इन्वेस्ट करने का है, ना कि लायबिलिटी में इन्वेस्ट करना, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है। फिर पैसा आ गया, खर्चा कर डालते हैं, फिर कुछ बचा तो इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। पहले 20% पैसा बाहर निकालो और बाद में फिर इन्वेस्ट करो, वही पैसा जो बाहर निकाला हुआ इन्वेस्ट करो, बाद में खर्चे करो जो आपको जरूरी है। असेट्स कौन से है? असेट्स है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ज्वेलरी, गोल्ड, ज्वेलरी नहीं एक्चुअली, गोल्ड, खुद का मकान, पीएफ में पैसा है वो है, रेजिडेंशियल रियल इस्टेट है, आपने कुछ किताब लिखी है उससे आपको पैसे आ रहे हैं, तो ऐसा ये एक्चुअली ये आपके असेट्स है। लायबिलिटी कौन सी है? जो भी आपसे पैसा लेकर जा रही है लायबिलिटी, फोन लायबिलिटी है, मगर फोन से आपका काम हो रहा है तो पैसा जा रहा है तो भी हरकत नहीं, आ भी रहा है तो फिर वो असेट हो गया। तो ये आपने ख्याल देने का है कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा असेट्स खरीदने हैं, ना कि लायबिलिटीज। तो ये 2 लेसन मैंने आपको ये किताब से बताया, आगे और कंटिन्यू करूँगा। पहला लेसन है कि रिच डैड पैसे के लिए काम करते नहीं है, पैसा उनके लिए काम करता है। नंबर 2, रिच पीपल हरदम असेट्स खरीदते जाते हैं और लायबिलिटीज कम करते जाते हैं। फिर असेट्स का मतलब हो गया कि जो भी चीज़ पैसा मुझे लेकर कमा कर दे रही है वो असेट है, जो पैसा लेकर जा रही है वो लायबिलिटी है।
तो ये दो लेसन हमने देखे रिच डैड पुअर डैड की किताब से। थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा था जो लोगों को शेयर करो, आपकी कमेंट्स भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।